अलाइनमेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है जब हमारे पास डेटा ज्यादा है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कॉलम और भी हैं। पहले मैं आपको इतना प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू आएगा कैसा। सेलेक्ट कर लिया हमने एरिया को, यहाँ पे आएंगे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे ताकि मेरी सीट, जब कंट्रोल पी करेंगे, अब क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू है इसमें ना पेज कट रहा है, मतलब दो सीट पर डेटा आ रहा है मेरा। इसमें मतलब रिजल्ट और ग्रेड क्या है वो अगली सीट पर पहुंच गए। तो जब हमें लगता है कि डेटा एक सीट में प्रिंट कराना है, आप देखेंगे अगर थोड़ा ध्यान से यहाँ देखें, यहाँ पे ना अभी स्पेस बचा हुआ है, जगह खाली है ना ऊपर, ऊपर देखें यहाँ थोड़ा जो कंटेंट है उसका साइज थोड़ा बड़ा, परंतु नीचे का थोड़ा और भी कम है उससे भी। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि पहले इनको ना मैं क्या करूँ, ऑटो फिट टू कंटेंट कर दूँ इनको ताकि मेरा डेटा इसी में प्रिंट हो जाए। अगर तब भी बात नहीं बनती है तब हम अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे। पहले हम विदाउट अलाइनमेंट करते हैं इसे। आप इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया, एक साथ किसी भी लाइन के ऊपर डबल क्लिक कर दो तो ये अपने आप ही सेट हो जाएंगे। जितना कंटेंट लिखा होगा उसके हिसाब से डेटा देखो मेरा। अब यहाँ देख सकते हैं एक लाइन आ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी ना इतनी जगह बकाया है, अभी जो मेरा प्रिंटिंग है वो एक सीट में आ गया है। मैं कंट्रोल पी करके देखें इसे हम, तो मेरा जो डेटा है वो एक सीट में प्रिंट होके आ गया। सपोज करो डाटा इससे भी बड़ा है, मैं क्या करता हूँ कुछ कॉलम को इधर ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इनमें से ही। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, कंट्रोल की दबा के रखो कीबोर्ड से और इस प्लस के सिंबल को इधर ड्रैग कर दो, कंट्रोल दबा के रखना और ड्रैग कर दो, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी इधर। अब हम दोबारा से फिर से इसको, मैं सीट को सेलेक्ट करता हूँ कॉलम के ऊपर से और किसी भी एक कॉलम पे बीच में डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएंगे, देखो डेटा सेट होगा। परंतु अब यहाँ एक दिक्कत आ गई, जो डेटा ग्रेड का जो पॉइंट है मैं चाह रहा हूँ कि ये इसी सीट में आना चाहिए था, या हो सकता है कि इसमें कुछ कॉलम और भी हैं इधर, मैं इसमें और कॉपी पेस्ट मार लेते हैं इनको। क्या करेंगे, कंट्रोल की दबा के रखेंगे और माउस के बटन को ड्रैग कर देंगे, लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना है सिंपल। अब देखो अब चार पांच कॉलम बकाया हैं, तो मैं कंट्रोल पी करके देखता हूँ, वैसे तो मेरा डेटा आ रहा है इस, आप जूम करो यहाँ से, वैसे दिख रहा है परंतु रिजल्ट तक उठा रहा है डेटा, अभी भी जो हमारा डेटा है वो रिजल्ट तक आ रहा है। हम चाहते हैं वो एक ही सीट में आ जाए सारा डेटा, तो उस कंडीशन में अलाइनमेंट की आवश्यकता हमें फिर पड़ती है। यही इसका मेन पॉइंट निकल के आता, अलाइनमेंट तभी हम यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो टॉप से और अलाइनमेंट के नीचे यहाँ पे एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट पे ही सीधा मेरा टैब पे आऊंगा मैं। और यहाँ देखिए इसको पकड़ के ना यहाँ से 90 डिग्री पे क्या करो, एंगल कर दो, मतलब 90 डिग्री पे क्या टेक्स्ट आपका घूम जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसे कर दो ओके। ये देखिए डेटा मेरा आ गया है, परंतु दिक्कत क्या है इसमें, अभी भी डेटा ना सेकंड सीट पहुंच रहा है। इसको ना दोबारा से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके सीट को दोबारा सेलेक्ट करो जहां तक डेटा आपका है, एक कॉलम पे फिर डबल क्लिक कर दो किसी पे भी। अब देखिए आपकी जो एक सीट का डेटा था जो दो सीट में पहले जा रहा था, वो अलाइनमेंट देने से क्या हुआ, एक ही सीट में हमारा इतना सारा डेटा हमने प्रिंट कर लिया। तो अलाइनमेंट ऑप्शन का प्रयोग हम जब ही करते हैं जब हमें लगता है कि डेटा ज़्यादा है, और ये देखना होगा कि सीट वर्टिकल पे प्रिंट करना है हॉरिजॉन्टल पे, ये वर्टिकल पे है इस समय खड़ी हुई सीट है। जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ ना ऑप्शन आएंगे आपके सामने, यहाँ ऑप्शन दिए होते हैं ओरिएंटेशन क्या लेना है। ओरिएंटेशन जैसे लैंडस्केप करूंगा तो आप देखेंगे ये बहुत सारा जगह बच जाएगा इसमें अब, क्योंकि देखो मेरा प्रिंटिंग की जो लाइन अब कहाँ गई, इधर आ गई ना। जब मैं कंट्रोल पी करूंगा तो आप देखेंगे वो डिपेंड करता है कि सीट मुझे किस प्रकार से प्रिंट करके रिपोर्ट बना के देनी है अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, स्कूल में कॉलेज में, जिस हिसाब से मुझे रिपोर्ट मांगी गई है मैं उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको मैं डिजाइन कर दूंगा। तो मेरा जो देखो यहाँ पे अभी काफ़ी जगह बची हुई है, तो मेरा डेटा क्या है, इतना सारा डेटा एक सीट में अलाइनमेंट देने के कारण वो सारा सारा डेटा एक सीट में क्या हमने गैदर कर लिया है, तो हम इजी टू प्रिंट
हम इसको यहाँ पे कर पाएंगे। इसमें फिर एक अलग मेथड भी होता हमारे पास, अलाइनमेंट को हम एक बार सेलेक्ट करते हैं हेडिंग को। अलाइनमेंट हमेशा हेडिंग पर अप्लाई होता है, ध्यान रहे हमेशा हेडिंग पर ही चलता है अलाइनमेंट, वैसे नहीं चलता है क्योंकि नंबर का आप घुमा के करेंगे क्या। यहाँ पे क्लिक करो, अगर मैं इस डेटा को अलाइनमेंट कर देता हूँ 45 डिग्री पे, तो ये अलाइनमेंट ना कुछ इस तरह आ जाएगा। भविष्य में हम इस तरह कई बार सीटों का हम प्रयोग करते हैं, कई बार ऐसी सीटों का भी हम प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे ये अलाइनमेंट यहाँ पे ना सेट हो गया है, थोड़ा एक एंगल हो गया 45 डिग्री पे। वो हमें देखना है कि सीट का जो डिज़ाइन मुझे देना है, प्रिंटिंग निकाल के जो देनी है, वो किस फॉर्मेट में उसको निकाल के देना है प्रिंट, तो ये अलाइनमेंट इस तरीके से दिया जा सकता है। फिर इसी में इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करो, इसमें अलाइनमेंट का फिर यहाँ पे है, इसे नीचे करेंगे तो -90 डिग्री ये उल्टे हो जाएंगे, देखना आप ये वर्ड सारे ये ऐसे हो गए, रोल नंबर भी इस तरह आ रहा है ना, डायरेक्शन टॉप से बॉटम की तरफ उनकी डायरेक्शन हो गई है इस तरीके से, ऐसे भी अलाइनमेंट दिया सकता है। उसके बाद मैं इसे दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके और इसको यहाँ से मैं एंगल दे देता हूँ 45, ओके पर क्लिक करेंगे। देखो ऑलरेडी बॉर्डर अप्लाई है इधर, आपको लगता है कलर देना है तो आपने देखा होगा पिछली क्लासों में भी हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया था, Ctrl+1 भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे बॉर्डर होता है, बॉर्डर में सॉरी फिल पे जाएंगे, फिल में हमने यहाँ पे जैसे मान लो ये कलर हमने दे दिया, अप्लाई कर दिया अपनी सीट को प्रोफेशनल कलर, तो वैसे ये होता है आप ये देखेंगे आपको यही कलर मिलेगा प्रोफेशनल, वैसे तो वाइट ही रखते हैं दिक्कत तुम, तो ये प्रोफेशनल कलर है अपने सीट को अकॉर्डिंग टू डेटा के अकॉर्डिंग ना उसको हमें अलाइनमेंट देना होता, मतलब कि उसको कलर देने होते हैं, जैसे ग्रीन का मतलब कोई चीज़ क्लियर होगी है, रेड का मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, तो वो अलग अलग यूज है डेटा का हमारा, तो ये अलाइनमेंट हमने दे दिया। तो अलाइनमेंट हम इसलिए ही प्रयोग करते हैं हमेशा, जब डेटा में एक सीट में प्रिंट करना हो तो डिपेंड करता है डेटा कितनी सीट में लाना है, और डेटा हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है या फिर वर्टिकली प्रिंट करना है वो मुझे देखना होगा, तो ये सीट मेरी अभी हॉरिजॉन्टली है, आप जो देख रहे हैं सीट क्या है ये हॉरिजॉन्टली है अभी सीट, पता कैसे चल रहा है मुझे। आप ना पेज लेआउट पे आओ और यहाँ ओरिएंटेशन होंगे, ये रहा मैंने आरडी सीट पे क्या अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करके अपने स्कूल में अपने बॉस को मैं यहाँ से दे दिए, तो यहाँ पे ये कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे स्पेस ही मैनेज हो जाएगा पूरा, और ये देखो यहाँ पे हमारा जो सीट है वो आरडी सीट होके प्रिंट होके निकल जाएगी। तो ध्यान देना है आपको सीट कैसे निकालनी है, सीट के हिसाब से ही वो चीज़ देखनी होगी, अगर डेटा कम है और आरडी सीट में वो पूरा डेटा आ पा रहा है तो उसको इस तरह दे पाएंगे, अगर वर्टिकली निकालना है हो सकता है कि वो एक सीट में ना आ पाए तो फिर आपको दो सीटों को प्रिंट करना होगा आगे पीछे, वो डिपेंड करता है कि कंटेंट कितना बड़ा है, कितना बड़ा रिकॉर्ड है, कितना बड़ा सीट है मेरे पास, तो ये अलाइनमेंट हमारा इसलिए ही प्रयोग होता है, वैसे इस ऑप्शन का कोई प्रयोग नहीं है। इस चीज़ पर ध्यान दें, अलाइनमेंट ऑप्शन का प्रयोग बेसिकली जब ही हम करते हैं जब हमें एक दो कॉलम छूट गए हैं उसको हम एक एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे उनको हम अपने टेक्स्ट को एंगल दे देंगे, तो 90 डिग्री एंगल से क्या होगा कि जो भी यहाँ पे जगह बची हुई होगी वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाती है और वो कंटेंट के हिसाब से जगह बन जाती है यहाँ पे, जैसे अभी एक रह गया यहाँ पे तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे और फॉन्ट पेंटर का प्रयोग करके इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये भी इसी उसमें आ जाएगा, क्योंकि जब ये एवरेज ऐसे लिखी हुई थी आरडी तो काफ़ी जगह घेर रही थी, जबकि नीचे का डेटा थोड़ी जगह घेर रहा है, तो अब क्या होगा जितना डेटा सेल में लिखा होगा ऊपर चाहे कितना भी लिखा है परंतु नीचे के सेल के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट। अब इसको अलाइनमेंट देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेंटर कर सकते हो, इसको टॉप में ऐसे भी ले सकते हो, ये यहाँ पे ठीक लग रहा था, नीचे ले लो यहाँ पे कर दो, ये ठीक अलाइनमेंट। तो इस तरह भी हम जो है रिपोर्ट बना के यहाँ से आसानी से दे सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन मेथड है एक्सेल के अंदर कि अलाइनमेंट आपको तभी काम आएगा जब हमें ज़्यादा डेटा को एक उसमें प्रिंट करना है। आगे हम बढ़ते हैं, मर्ज सेल हमने कल किया था, रैप टेक्स्ट हमारा हो गया, बॉर्डर हमने कर ही लिए हैं, फिल कुछ नहीं है इसमें, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब हम देखते हैं कलर साइज कितना लेना है, सपोज करो आपको इसका साइज बढ़ाना है, जो ऑप्शन मुझे यहाँ दे रखे हैं ना वो इनके यहाँ जो ये एरो दिए हुए ना ये इसके अंदर दिए होते हैं सारे फीचर, नहीं समझे, इसके हमें कई मेथड दे रखे हैं करने के लिए,
भाई ये ऑप्शन यहां से कर लो चाहे वहां से कर लो, बात तो वही है ना। चाहे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल तब भी ओपन हो जाएगा। सिंपल है कि हम माउस से काम कर रहे हैं, फास्टली काम करना, तो आप सीधा माउस का प्रयोग करें और फास्टली आप इसे यूज कर पाओगे। जितना बड़ा डेटा है वो देख लेना कि कैसे आपको प्रिंट करना, उस हिसाब से उसको आप प्रिंट करके निकाल देना। अब हम देखते हैं फॉर्म कैसे बनता है कस्टम फॉर्मेटिंग से, फॉर्म कैसे बनाए, तो फॉर्म का देखते हैं। सपोज करो मैं थोड़ा इस सीट को अब इधर लेके आ रहा हूँ, इधर चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। फॉर्म होता है जैसे आपने नाम लिखा, आप नेम लिख रहे हो नेम, और यहाँ पे एक लाइन देनी होती है मुझे अंडरस्कोर जिसे हम बोलते हैं, तो ये तो बार बार देनी पड़ेगी। और इसमें दिक्कत यही हो सकती है कि कभी छोटा करना पड़ेगा कभी इसको बड़ा करना पड़ेगा। मान लो नीचे एड्रेस दे रखे हैं हमें, ये एड्रेस है तो अंडरस्कोर दबा के ये लाइन यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी, बड़ा साइज करना पड़ेगा। तो देखना हम एक ऐसा ट्रिक इसमें अपनाने वाले हैं, जितना मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा तो उतना ही साइज अपना अपना इसका लाइन का बढ़ जाएगा, कम करूंगा तो कम हो जाएगा अपने आप ही। वो ट्रिक समझेंगे इसमें। वो ट्रिक समझने के लिए कंसेप्ट है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे मर्ज सेल करके लिख रहा हूँ। वो क्या करना है आपको इसे मैं सेंटर में करके, तो इसके लिए सबसे पहले आप एट द रेट लिखेंगे। किसी कंटेंट को रिपीट कराने के लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर पास करा दूंगा। ये मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे हमें। आ जाओ, ये यहाँ पे मैं अपोस्ट्रोफ लगा रहा हूँ वो नहीं ले पा रहा है, ये हमें वहां पे अप्लाई करना है। तो हम ये देखेंगे ये कैसे इसके थ्रू बना पाएंगे फॉर्म। मैंने मान लो मुझे इतने एरिया में क्या है फॉर्म तैयार करना है, ये इतना एरिया मेरा क्या है ये फॉर्म के लिए है, ये फॉर्म के लिए एरिया हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे और हमें कहाँ जाना है नंबर के अंदर, और यहाँ पे कस्टम ऑप्शन होता है। जनरल को यहाँ से रिमूव कर दो बैकस्पेस की का प्रयोग करके, और क्या लिखना है यहाँ पे एट द रेट एक मल्टीप्लाई और क्या करना है एक अंडरस्कोर। अगर देखो मान लो मैंने डॉट लिख दिया यहाँ पे, एक डॉट लगा दिया, जो मल्टीप्लाई होता है ना वो रिपीट करता है किसी स्पेशल करेक्टर को, तो एक डॉट भी करेक्टर ही है हमारा, एक सिंबल है एक प्रकार का, इसे वो कर दो ओके। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देगा, परंतु जैसे ही मैं नाम यहाँ पे एंटर करूंगा, जैसे मान लो हमने नाम ले लिया नेम, तो इसके सामने लाइन अपने आप डॉट डॉट में आ जाएगी। अब इसका साइज बढ़ाएंगे तो ये देखिए नीचे मान लो मैंने एड्रेस लिखना है, और ये लाइन सॉरी लिखना नहीं है, एंटर करके छोड़ दो। नीचे हमें फादर नेम लिखना है, फादर्स नेम, इसके सामने अपने आप डॉट डॉट आ जाएंगे। तो मैं कुछ करता नहीं ना, बस मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ और बाकी सारा काम अपने आप कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ इधर आएंगे, जैसे यहाँ मदर नेम लेना है अंडरस्कोर पास कराओ और एंटर, साइज बढ़ाओ इसका, वो इसलिए हैजेज आ गया है। ये देखिए अगर हम चाहते हैं कि डॉट में आए लाइन आए, सीधी सीधी लाइन आनी चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करके ना क्या करो कंट्रोल वन क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, कस्टम पे आएंगे यहाँ पे ना डॉट की जगह अंडरस्कोर पास कर दो शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर और ओके। तो यहाँ पे अपने आप ही लाइन अप्लाई हो जाएंगी इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे लाइन आई नहीं आ गई हमारे पास। जब भी हम कोई चीज़ यहाँ लिखेंगे पिन कोड एड्रेस मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो ये लाइन अपने आप ही बनती हुई चली जाएंगी। देखना होगा कि आप फॉर्म किस चीज़ का तैयार कर रहे हैं, ऊपर आप फॉर्मेट सारा यहाँ पे कर देना उसमें, और जो भी मर्ज करना है वो आप वहाँ से कर लेंगे। तो जब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो आपको ना ये फॉर्म इस तरह एक बना हुआ दिखाई देगा वहाँ पे, ये वाला देख रहे हो, ये फॉर्म बन के रेडी हो गया। जैसे हमने बिनवर्ड के थ्रू भी एक बार सीखा था कि बिनवर्ड फॉर्म कैसे बनते हैं, तो वही चीज़ हम एक्सेल के थ्रू भी बना पाएंगे। अगला मेथड इसमें है, अगला टर्म समझो बहुत ही जबरदस्त तरीके, अगली भी आपने कहा ना अमाउंट के पीछे, जैसे अमाउंट लिखा हुआ है चेक में, आपने देखो ये हैज 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 ये लगे होते हैं, लगे होते हैं कई बार ऐसा देखा होगा आपने इस तरीके से फॉर्मेट में भी। एक बार मैं इधर आ जाता हूँ फिर से, मैं इसको ना एक बार यहाँ से इधर आओ, यहाँ पे नहीं है ये फॉर्मेट अप्लाई, क्योंकि बस उठाता रहेगा फिर बार बार ये 2000 हैज 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 हैज, मतलब ये
इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है अपने आप में। इसको एक बार मैं इसमें ये डॉट आ रहा है यहाँ तक ये फॉर्मेट चल रहा है इसका मतलब। इसको मैं एक बार यहाँ पे कस्टम पे आके जनरल करो, इसे हो गया जनरल करने मास से हो गया। तो हम चाहते हैं इस कोई अमाउंट में डालू तो उसमें क्या पीछे ये स्टार स्टार आ जाए, उसके लिए क्या फॉर्मेट लगाएंगे। उसके लिए सिंपल है, देखो ये एपोस्ट्रॉफ, इसके लिए एक हैज, नंबर के लिए हैज चलता है क्योंकि नंबर है आगे तो हैज चलेगा, और एक स्टार और दो स्टार। भाई एक तो मल्टीप्लाई का काम करेगा, एक रिपीट होगा वहां पे। तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना, ये वाला जो यहाँ पे हमने राइट किया है। तो देखते हैं कैसे, ये रेंज हमने सेलेक्ट की, इसको वहां से वैसे डिलीट कर दो, ये सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल वन क्लिक करेंगे। कंट्रोल वन के बाद हम कस्टम पे आएंगे, कस्टम पे जाने बाद इस पॉइंट कहाँ से रिमूव कर दो, और शिफ्ट के साथ एक हैज दबाएंगे, दो स्टार लगा दो इधर। और क्या करना है, स्टार नहीं लगाने, पहले आपको एक एट द रेट लगाना है, फिर क्या लगाना है, स्टार लगाना है, क्योंकि एट द रेट ही रिपीट करेगा किसी टेस्ट को। सॉरी यहाँ पे हमें स्टार चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एड, ये नहीं चलेगा यहाँ, सॉरी यहाँ एट द रेट लेना है और दो स्टार ये चलेंगे। मतलब यहाँ एट द रेट हैज नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एट द रेट है, यहाँ पे भी एट द, कहाँ है रेट इसमें, ये रहा। तो ये वाला अपना ही करना है। अब देखना मैं कोई अमाउंट डालूंगा अपने आप ही उसमें क्या आई श्रृंखला अपने आप प्रिंट हो चली जाएगी। देखो हाँ, बस इसमें थोड़ा यही ही हमें ध्यान देना, अमाउंट पे इस तरीके से क्या आई अपने आप ही ना अमाउंट को इस तरह दिखाता चला जाएगा बाय डिफॉल्ट ही।